तो गाइज आज हम लोग फिर से ले आए आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट, ये आपका मार्केटिंग ऑफिस प्रोजेक्ट का। तो चलिए अंदर चलते हैं आपको और डेमो फ्लैट दिखाते हैं कैसा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है ड्रीम गुरुकुल। सो अंदर चलते हैं। तो गाइज ये मल्हार रूम है जो कि आपका यह बेसिकली एक सिंगिंग रूम है। सो आपको ऐसा टाइप का सिंगिंग रूम मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और इधर एक सिंगिंग टीचर जो आपको सिखाएंगे वो होने वाले हैं ये। इसी के बाद चलते हैं मुक्ताधर जो कि होने वाला है आपका डांस रूम। ये आपका डांस रूम होने वाला है, ऐसा टाइप का आपको डांस रूम मिलेगा पूरा। उनकी टीचर रहने वाली है ये लोग काफ़ी फेमस है, मुझे इनको नाम नहीं पता, बट हाँ आपको इधर काफ़ी अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे। ये चित्रकला है, अंदर चलते हैं स्टूडियो चित्रकला के अंदर। इधर आपको मिल जाता है आर्ट्स रूम, ये आपको आर्ट रूम होने वाला है, देख सकते हैं आप, वेरी ब्यूटीफुल एम्बियंस। किरानगन है ये, गेम्स रूम समझिए, ऐसा टाइप का आपको टर्फ मिल जाता है। आपको प्लेइंग स्पेस होने वाला है, ऐसा आपको मिलेगा पूरा सेम टू सेम, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर आप एंट्री लेंगे, उसी से ये जो रोड आपका है इस तरफ आप चल जाते हैं मध्यम ग्राम की तरफ, और ये जो रोड है इधर आप चल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आपको बहुत ही बेस्ट रूट मिलने वाला है इधर। तो इससे साथ बढ़ते हैं हम लोग टावर की तरफ। टोटल उधर 6 टावर होने वाले हैं और एक टावर G+7 का होने वाला है सारा। इधर जितना भी टावर देख रहे हैं उसी के साथ इधर सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका, किड्स रूम, म्यूज़िक रूम और भी बाकी चीज़ों का, जिम विम का। और आप देख सकते हैं इधर फ्लैट का अंदर का मॉडल दिया हुआ है, इधर आप समझ नहीं पाएंगे, आप अंदर से फ्लैट देखिएगा तब आपको समझ में आएगा पूरा। और ये आपका पूरा प्लेग्राउंड एरिया होने वाला है, जो भी आपको मिल जाता है हाइड्रोलिक्स पार्किंग। तो चलते हैं फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं और आपको फ्लैट दिखाते हैं। इधर हम लोग अपना डेमो फ्लैट का एंट्री लेते हैं। ये आपका 3 BHK का फ्लैट होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर काफ़ी स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग स्पेस मिल जाता है आपको इधर। पूरा स्पेस आपको लिविंग कम डाइनिंग का इतना बड़ा मिल जाता है कि आपको मज़ा आ जाने वाला है। देखिए काफ़ी शानदार ये आपका डाइनिंग स्पेस होने वाला है। इधर अटैच ठीक आपको एक बैल्कनी मिल जाता है बड़ा सा, ये आपका पूरा बैल्कनी होने वाला, काफी बड़ा और स्पेशियस बैल्कनी है। तो चलिए बढ़ते हैं किचन, बाथरूम और रूम्स की तरफ। तो इधर आपका किचन होने वाला, काफी बड़ा किचन मिल जाता आपको जैसे कि आप देख सकते हैं, काफी सुंदर मिलने वाला है किचन। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले बेडरूम की तरफ। काफी बड़ा और स्पेशियस बेडरूम है, देख ही सकते हैं। फिर आपको वापस लेफ्ट साइड में एक मिल जाता बेडरूम जो कि होने वाला आपका मास्टर बेडरूम।
ये आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम में, एक बड़ा सा बाथरूम जो काफी बड़ा है। इसी के साथ चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये आपका बेडरूम होने वाला है पूरा। इतना बड़ा बेडरूम मिल जाएगा आपको। उसी के साथ इधर मिल जाएगा आपको एक बड़ा सा विंडो जो कि आपका खुल भी सकता है। इसी के साथ चलते हम लोग अपने लास्ट रूम की तरफ। लास्ट रूम से जाने से पहले, जैसे ही आप सेकंड रूम से निकलते हो, आपको इधर मिल जाता है एक बड़ा सा बाथरूम। वापस काफी शानदार बाथरूम होने वाला है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, काफी प्रीमियम है। उसी के साथ इधर मिल जाता आपको थर्ड रूम। तो इधर इस घर का खासियत ये रहने वाला है, काफी बड़े बड़े रूम मिलने वाले हैं आपको। ईच एंड एवरी स्पेस काफी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, आप देख ही सकते हैं, कोई वेस्ट नहीं किया गया है कोई भी स्पेस। ये पूरा घर आपका होने वाला है 1235 स्क्वायर फीट का। अगर आपको घर पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है, हमें कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और अपना ड्रीम होम बुक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर आपको लोकेशन एडवांटेजेस मिल जाता है, जैसे आपका सुपरमार्केट हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब आपके बहुत पास पास पड़ेंगे। जैसे कि आप ये टावर देख रहे हैं A1, A2 और इधर बनने वाला है आपका टावर B, तो ये आपका हैंडओवर होने वाला है 2026 में।